तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो जन्माष्टमी का जो भोग लगेगा भगवान को, सारा भोग रेडी हो गया है और थाली यहाँ पर मैंने रेडी कर दी है बिल्कुल भी अच्छे से। और सारे कपड़े पड़े भगवान के मैंने रख लिए हैं क्योंकि 12 बजने वाला है और कुछ टाइम बाद भगवान का जन्म हो जाएगा। तो अभी आप लोग देखेंगे कि किस तरह से मैं पूजा वगैरह करने वाली हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं गुड़िया और आप देख रहे हो मेरा चैनल गुड़िया जानवी। और बहुत ही छोटा सा मैंने ब्लॉग डाला हुआ है अपना जन्माष्टमी का, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हमारे यहाँ पूजा होती है और किस तरीके से सारी चीज़ें करते हैं। तो वही है और यहाँ पर मेरी बेटी कर रही है और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 12 बज चुका है, भगवान का जन्म हो चुका है। तो भगवान को स्नान कराया जा रहा है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जल से भगवान का स्नान कराया है, उसके बाद पंचामृत से स्नान कराया जाएगा भगवान को। बीच बीच में आप लोग वॉइस भी सुनते जाएंगे, मैं बोल भी रही थी। और उसके बाद जो है फिर गंगा जल से स्नान कराया, गंगा जल से स्नान कराया जा रहा है। अब यहाँ पर भगवान को नए वस्त्र पहनाए जा रहे हैं, उसके बाद इनको माला और पगड़ी वगैरह सब पहना के अच्छे से आसन पर जो है विराजमान किया जाएगा। उसके बाद आरती होगी। तो आप देख रहे हो काफ़ी अच्छे से जो है ये त्यौहार मनाते हैं हम लोग और ना फैमिली में सभी लोग। और बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई पर्व होता है देखने में, तो देखने में क्या करने में भी बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब आप भगवान से जुड़ा कोई काम करते हैं, कुछ आस्था का काम करते हैं, एक विश्वास का काम करते हैं, तो कुछ अच्छा ही फील लगता है अंदर से। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, एक उमंग है, एक तरंग है। भगवान जी से और रजिस्ट करें हैं पूरे में, इसी कटोरी में सारा भोग रखो, पेड़ा रखो, मिश्री रखो, तुलसा दल रखो, तुलसा दल और पंचामृत इसी में डाल देंगे। नहीं, पंचामृत ऐसे रख लेंगे। अब इसमें आरती निकाल लो, सेब केला तो रखा है नहीं? हाँ सेब केला रखा करो। ये टोपी को खराब है, मुँह में लग गया। पंचामृत का भोग लगा। दोनों भगवान का, हाँ सभी भगवान का कर दो। आप लोगों के यहाँ जन्माष्टमी किस तरह से मनाई जाती है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, भगवान का काम है तो लाइक तो एक बनती है, ज़रूर लाइक करिएगा। देन शेयर भी करिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ में। और मेरे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल बटन को प्रेस करिएगा। इस तरह के छोटे छोटे वीडियोज़ में बनाती रहती हूँ, ट्यूटोरियल्स में बनाती रहती हूँ, साड़ी ब्लॉग बनाती हूँ और बहुत सारे वीडियोस मैं बनाती हूँ जो मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग जरूर देखिएगा वो वीडियो भी मेरे। और आरती दे दो भगवान को। तो यहाँ पर देख सकते हो आरती वगैरह हो गई है भगवान की। तो आप लोग देख सकते हो कि पूजा संपन्न हो गई है हमारे यहाँ। अब थोड़ी देर भगवान इसी तरीके से आसन पर विराजमान रहेंगे, उसके बाद भगवान को उनकी मच्छरदानी में लिटा दिया जाएगा और फिर वो विश्राम करेंगे। तो ब्लॉग को मैं अपने समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से फिर कुछ नई चीज़ों के साथ। गुड नाइट, हैप्पी जन्माष्टमी। तो इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं कर रहे तो उसे भी फॉलो करिएगा, वहाँ पर भी आपको अच्छी अच्छी अपडेट मिलती रहेगी।